खुशखबर खुशखबर खुशखबर, भंडारा जिले में पहली बार दिवाली के अवसर पर भारत के लोकप्रिय डांसर गौतमी पाटिल का सांस्कृतिक कार्यक्रम 21 नवंबर 2023 को शाम 7:30 बजे भंडारा के स्मार्ट ग्राम कोथुना में आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदीप गायधा ने सरपंच कोथुना ने किया है। तुमसा तहसील के नाका डोंगरी वन क्षेत्र के तहत आने वाले कौलेवाड़ा नियत क्षेत्र सीता सावंगी में गश्त लगा रहे वन कर्मियों को 19 नवंबर की सुबह एक तेंदुआ मृत अवस्था में मिला। मृत तेंदुए की उम्र करीब 4 से 5 वर्ष की है। तेंदुए की मृत्यु एक सप्ताह पूर्व हुई होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तेंदुए की मृत्यु कैसे हुई इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही सामने आएगी। नाका डोंगरी वन क्षेत्र के तहत आने वाले कौलेवाड़ा नियत क्षेत्र में वन कर्मी 19 नवंबर को गश्त लगा रहे थे। ऐसे में सीता सावंगी राजस्व विभाग के गुट क्रमांक 108 में एक तेंदुआ मृत अवस्था में नजर आया। इस घटना की जानकारी तुरंत वन अधिकारियों को दी गई। वन विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची। घटना की जानकारी नाका डोंगरी पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर पारापात्रे तथा आसगांव के पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर काबगते तथा तुमसर के पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर सूरज पाटिल की समिति गठित की गई। पशु वैद्यकीय अधिकारियों ने मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के पश्चात मृत तेंदुए का चिचोली डिपो में अंतिम संस्कार किया गया। इस समय सहायक वन संरक्षक सचिन नीलक व नाका डोंगरी के वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज मोहिते, अन्य वन कर्मी समेत मानद वन्य जीव रक्षक शहीद खान एवं पंकज देशमुख उपस्थित थे। मामले की जांच भंडारा उपवन संरक्षक राहुल गवई के मार्गदर्शन में सहायक वन संरक्षक सचिन नीलक एवं नाका डोंगरी वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज मोहिते कर रहे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।